हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में जो खास है वो क्या है, देखिए एक प्रोग्राम ऐसा हमें बनाना है पाइथन के अंदर जिसमें कि हम यूजर द्वारा दो नंबर एंटर करवाएं और हम बोले कि आप जो है वन, अगर हम जैसे ही एंटर करें तो वो एडिशन करें, टू एंटर करें तो सब्ट्रैक्शन करें, थ्री एंटर करें तो डिवीजन करें, इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने print प्रिंट और डबल इंवर्टेड कोट्स को ओपन किया और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर टू नंबर। तो यहां पर हम लिख देते हैं एंटर टू नंबर, तो ये सिंपली लिख दिया एंटर टू नंबर, तो यहाँ दो नंबर एंटर होंगे। अब जैसे ही दो नंबर एंटर होंगे तो अब क्या करना है, अब चूंकि पहला नंबर एंटर होगा तो कहां जाएगा, तो ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया और यहां लगा लिया इंट, और यहां पे लगाएंगे इनपुट फंक्शन जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता है अपने पास, तो ये लगा लिया इनपुट, ठीक है। और डबल इंवर्टेड कोट्स को ओपन किया और फिर यहां लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये एक हो गया और फिर इसे बंद करेंगे और फिर यहां पर बी नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और फिर इसमें भी सेम वही एंटर द सेकंड नंबर, एडिशन होना चाहिए, टू टाइप करें तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ये कैसे होगा। तो यहां पर एक सी एच नाम से बना लेते हैं और सी एच में क्या करते हैं, जीरो स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। और अब यहां पे लूप लगाएंगे, तो व्हाइल लूप लगा रहा हूं, सी एच इज लेस देन फाइव, सी एच क्या होगा, लेस देन फाइव रहेगा और यहां पे कॉलन लगा लेंगे और कॉलन लगाने के बाद क्या करना है, आपको नीचे आना है एंटर करके। जैसे नीचे आएंगे तो अब यहां पे प्रिंट करवाएंगे, तो यहां लिखा प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट लिखने के बाद यहां पर मैं दे देता हूं मेन्यू, क्या लिख देता हूं, मेन्यू लिख देता हूं, मेन्यू, ठीक है। तो ये हो गया मेन्यू, अब क्या करेंगे, अब एंटर करके नीचे आएंगे। अब चूंकि यहां पे प्रिंट करें हम यहां पर वन टाइप करें, तो वन टाइप करने से क्या होना चाहिए, तो वन लिखा हमने, यहां पे लगाया एक पॉइंट और यहां पे लिख दिया एडिशन, तो वन लिखने पे एडिशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि वन लिखने पे क्या होगा, एडिशन होगा, टू लिखने पे हम सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, तो यहां पे प्रिंट फिर लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही सब्ट्रैक्शन लिखेंगे तो इसे बंद कर देंगे, थ्री लिखने पे भी कुछ होना चाहिए, तो यहां पे प्रिंट किया और यहां पे फिर लिखा हमने डबल कोट्स में थ्री और यहां पे पॉइंट लगा करके और यहां पे कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, पे हम फोर लिख देते हैं डबल कोट्स में, तो फोर लिख देते हैं, तो ये हो गया फोर और यहां लिख देते हैं डिवीजन, डिवीजन हो गया। अब ये सारी चीजें हो गई, अब भी कुछ बाकी है क्या, हमने फाइव तक लिया, वेल हालांकि लेस देन फाइव है, तो यहां पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया और यहां पर हम दे देते हैं फाइव, तो फाइव पे हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट होने के बाद इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे, मतलब कि इसे बंद कर देंगे प्रिंट लिखने के बाद और बाहर आएंगे। अब यहां पर कहानी शुरू होती है, यहां पर आपको क्या कैसे करना है वो समझिए। यहां पे सी एच नाम से ऊपर बनाया है जिसमें जीरो स्टोर है, तो अब यहां पे लिखता हूं मैं सी एच इज इक्वल टू इंट इनपुट, ये दे दिया। अब ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हम च्वाइस एंटर करेंगे ना, एक से लेके पांच तक च्वाइस एंटर करेंगे, तो यहां पे डबल कोट्स में क्या दे दूंगा, इंट इनपुट के बाद एंटर योर च्वाइस बिटवीन वन टू फाइव, ये हमने दे दिया। अब डबल कोट को क्लोज कर देंगे, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। अब नीचे आएंगे तो फिर नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो नीचे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे इफ सी एच इज इक्वल टू, यानी सी एच की वैल्यू अगर वन हो, ठीक है, ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, इज इक्वल टू दो बार लगाया गया है, तो अगर सी एच की वैल्यू वन हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होना, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देते, यानी जोड़ दे उसे, ठीक है। फिर यहां पे एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहां पे प्रिंट करवा लेंगे, जो भी एडिशन आएगा उसको प्रिंट भी तो करवाना होगा, तो यहां लिख देते हैं द एडिशन इज इस तरीके से, और यहां पे सी में जाकर स्टोर होगा तो यहां सी कर देते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर एलिफ लगाएंगे, देखिए इफ के बाद तो एलसी आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर और भी कंडीशंस देना चाहते हैं, तो जब और कंडीशंस की बात आएगी तो यहां इफ के बाद एल्स ना आकर के एलिफ लगा देंगे, ठीक है। ये पाइथन में आपको सुविधा मिल जाती है इस तरीके की, ठीक है। और यहां पर सी एच इज इक्वल टू अगर टू हो तो क्या हो, तो अगर दो होगा तो ऐसे कंडीशन में यहां पर सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है, अगर दो होगा तो ए माइनस बी कर देंगे, क्लियर। और यहां पे प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, द सब्ट्रैक्शन इज, और यहां पे ये भी जाके किसमें स्टोर होगा, सी में ही स्टोर होगा, तो ये सी कर दिया हमने। फिर एंटर करके नीचे आएंगे, अभी चूंकि हमारा पूरा कंडीशन पूरा नहीं हुआ है तो फिर यहां पर हम एलिफ लगाएंगे एक बार, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, इंटेंडिंग बहुत ध्यान रखिएगा, तो यहां एलिफ लगाया हमने और एलिफ लगा करके सी एच इज इक्वल टू थ्री किया, ऐसे में क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा अब
मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो 3 होने पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहां पे प्रिंट करवा देंगे, a इंटू बी कर देंगे, ठीक है। और फिर यहां पर क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट में क्या देंगे, तो print प्रिंट लिखा हमने, और यहां दे देंगे द मल्टीप्लीकेशन, द मल्टीप्लीकेशन इज सी, ठीक है। तो ये दे देंगे, और ये ध्यान रखिएगा यहां कॉमा लगा करके तब करिएगा, और फिर एंटर करके नीचे आइएगा। फिर यहां पर एलिफ देना ही पड़ेगा क्योंकि और भी कंडीशंस हैं, तो यहां पर डिवीजन के लिए भी तो देना होगा। तो फिर यहां लिखेंगे इफ सी एच इज इक्वल टू 4, तो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे फिर वही चीज की प्रिंट लिखेंगे, पी आर आई एन टी प्रिंट। अब 4 होने पे क्या होगा, तो 4 होने पे यहां पे फिर लिख देंगे सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो इस बार ए अपॉन बी कर दिया। फिर नीचे आएंगे और यहां प्रिंट करवा लेंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट द डिवीजन इज, देखिए ऊपर डिवीजन दिया गया ना, तो द डिवीजन इज सी, सी में जाके फिर डिवीजन स्टोर होगा। फिर यहां पर आएंगे, तो फिर अब एक बार, अब लास्ट वाला कंडीशन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आप सीधा सीधा एल्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे, ठीक है। तो एल्स लगा देते हैं अब, ई एल एस ई, एल्स लगाया, और एल्स लगाने के बाद क्या करेंगे, एल्स लगाने के बाद यहां पर इसको इस तरीके से कॉलन लगा करके एंटर करके नीचे आएंगे और यहां कराएंगे प्रिंट। तो क्या प्रिंट करवाएंगे, तो ये लिखा प्रिंट, लिख देंगे ये इनवैलिड, लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस, एल्स में इनवैलिड चॉइस दे दिया हमने, एग्जिट नहीं किया, इनवैलिड चॉइस दे दिया। अब बारी है इसको रन कराने की, चलाने की, तो यहां से आप फाइव करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो यहां इसे मैं option ऑप्शन के नाम से सेव कर रहा हूं, .py लगा देंगे, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो यहां पर यहां देखिए ये कॉमा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कॉमा लगा देते हैं। अब F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां कह रहा है एंटर टू नंबर्स, पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 2। अब इन्हीं दोनों का जो करना है करना है, ठीक है। तो यहां अगर मैं 1 एंटर करता हूं तो क्या होगा, एडिशन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया भाई। यहां पर मैंने क्या एंटर करा था, यहां पर मैंने एंटर करा था 5 और 2, तो 5 और 2 का एडिशन हो गया, तो 7 ही आएगा ना। तो यहां पे देखिए एडिशन 7 आया हुआ है, ठीक है। और यहां पे अगर मेन्यू में सब्ट्रैक्शन करवाना है 5 और 2 का, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर वापस से 2 प्रेस करते हैं, तो 2 प्रेस करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यही घट जाएगा। फिर 3 प्रेस करने पे भाई मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 आया हुआ है, देख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए डिवीजन कराना है, तो यहां पे 4 करेंगे और यहां पे ये देखिए ये डिवीजन हो के आ गया 2.5 आएगा, और अगर 5 करते हैं तो इनवैलिड चॉइस आएगा। तो यहां पे कुछ इस तरीके से प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है ना, ओके।